हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुकेश वर्मा आज एग्रीकल्चर के एक नया वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र हैं या फिर एग्रीकल्चर के छात्र हैं, दोनों में ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम बात करते हैं आज खाद और उर्वरक में अंतर क्या होता है। दरअसल खाद और उर्वरक में अंतर नहीं कर पाते। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि खाद और उर्वरक दोनों में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। आज मैं बहुत ही सरल उदाहरण लेके आया हूँ खाद और उर्वरक में अंतर कैसे आप पहचान सकते हैं। देखिए, खाद जो होता है यह हमेशा गाँव में बनाया जाता है। कहने का मतलब, पशु का मल त्याग या फिर पशुओं के नीचे का बिछावन जिसको लीटर बोलते हैं, इन सब की निर्माण से खाद का प्रयोग खाद को बनाया जाता है। लेकिन फर्टिलाइजर, कहने का मतलब उर्वरक जो है, इसका निर्माण फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो होती हैं उसमें इसका निर्माण किया जाता है। ये हो गया हमारा पहला अंतर। चलिए अब हम दूसरे अंतर की बात करते हैं। खाद जो होता है यह एक महीने से लेकर तीन महीने के बीच में इसका निर्माण होता है। कहने का मतलब खाद को एक से तीन महीने का समय लगता है बनाने में, लेकिन उर्वरक जो है इसको आप एक दिन में बना सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा अंतर। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे अंतर की। खाद जो होता है इसको भारी मात्रा में फील्ड में प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन उर्वरक जो है इसको बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है खाद की अपेक्षा। चलिए बात करते हैं हम अपने चौथे अंतर की। चौथा अंतर हमारा ये है कि खाद जो होता है इसमें पोषक तत्व की मात्रा बहुत ही सूक्ष्म पाई जाती है। अगर हम FIM की बात करें तो उसमें 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फास्फोरस एंड 0.5% पोटास पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें फर्टिलाइजर, कहने का मतलब उर्वरक की, तो उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे कि बात करते हैं यूरिया, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। और बात करें हम अपने पाँचवें अंतर की, तो पाँचवा अंतर हमारा जो होता है, खाद का प्रयोग फील्ड में 15 दिन पहले किया जाता है बुआई से। अगर किसी फसल की आप बुआई करते हैं तो उसमें 15 दिन पहले ही, फसल के बुआई से 15 दिन पहले ही खाद का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन उर्वरक का प्रयोग फसल बुआई के समय या फसल बुआई के बाद कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने छठे अंतर की। छठा अंतर जो है हमारा, खाद जो है यह बहुत स्लो काम करता है। अगर आप फील्ड में खाद को डालते हैं तो वह एक महीने बाद अपना रिएक्शन दिखाता है। लेकिन अगर आप उर्वरक की बात करें, उर्वरक को आप आज ही डालें और तीसरे दिन आपको रिएक्शन देना शुरू कर जाएगा। यह होता है खाद और उर्वरक में स्लो मोशन और फास्ट मोशन। खाद जो है स्लो मोशन में काम करता है, लेकिन फर्टिलाइजर जो है उर्वरक यह बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अंतर की। खाद जो है खड़ी फसल में देना बहुत ही कठिन कार्य होता है, और उर्वरक जो है खड़ी फसल में आसानी से दिया जा सकता है। खाद जो होता है वो कुछ ऐसी फसलें हैं जिसमें खड़ी फसलों में खाद का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बात करें वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियों की, सब्जियों की खेती ऐसी होती है जिसमें आप खाद को ऊपर से डाल सकते हैं और उर्वरक को भी ऊपर से डाल सकते हैं। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें आप बुआई से पहले खाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हुआ कुछ खाद और उर्वरक में अंतर बहुत ही आसान भाषा में। गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं।